सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया में अब परिवार के साथ बैठकर सफर करना महंगा होगा। एयर इंडिया ने अपने घरेलू उड़ानों में सीट सिलेक्शन फी या फैमिली फी के नाम पर अधिक चार्ज वसूल करने का सर्कुलर जारी किया है। खबर है कि एयर इंडिया विमान में मिडिल रो में 7-7 सीट देने के बदले यात्रियों से अधिक फी वसूल करेगा। अभी तक ये केवल लंबी दूरी की उड़ानों पर सामने वाली पंक्ति की सीटों के लिए लिया जाता था। एयर इंडिया की तरफ से हाल ही में ट्रैवल एजेंटों को जारी किए गए सर्कुलर में बीच की सीटों में भी सीट सिलेक्शन का ऑप्शन देने को कहा गया है, ताकि अपने बच्चों के साथ में बैठकर सफर करने की इच्छा रखने वाले यात्रियों से अधिक फीस वसूली जा सके। बीच की सीटों में फैमिली सीट के लिए घरेलू और विदेशी उड़ानों की दरें अलग अलग रखी गई हैं। इनकी दरें रूट्स के हिसाब से तय की गई हैं। बीच की सीटों में फैमिली सीट बुक कराने के लिए रूट के मुताबिक यात्रियों को 100 से 1500 रुपए तक अधिक फी चुकानी पड़ सकती है। विंडो सीट के लिए भी ज्यादा फी वसूलने का नियम है। घाटे से जूझ रहा एयर इंडिया ऐसा कर अपनी आय बढ़ाना चाहता है। सीट सिलेक्शन का यह फॉर्मूला नया नहीं है। दुनिया के कई देशों में एयरलाइंस कंपनियां ऐसा करती हैं। इस नए नियम के लागू होने के बाद जो लोग अपने बच्चों के साथ सफर करते हैं उनके पास एक साथ बैठने के लिए अधिक फी चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।